दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके मोबाइल में लेने के लिए। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है, ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स आपको देख रहे हैं टेक्नोलॉजी विद विवेक चैनल में, ये सब्सक्राइबर जैसे ही 100 सब्सक्राइबर आपके चैनल के हो जाते हैं, आज मेरा वीडियो उन छोटे YouTube क्रिएटर्स के लिए है जिन्होंने अभी शुरुआत की है YouTube के क्षेत्र में। और जैसे जैसे मैं YouTube के एक्सपीरियंस को लेता जा रहा हूँ, और साथ साथ मैं चाहता था कि आपके बीच में भी ये शेयर करूं। जैसे ही आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और एक और जो मुद्दा जो उठता है, जैसे कि दोस्तों मेरे टाइम पर भी आया था कि हम स्टार्टिंग में नाम नहीं समझ पाते हैं कि क्या नाम रखा जाए चैनल का। और कुछ लोगों को ये लगता है कि एक बार चैनल का नाम रख देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने चैनल के नाम को भी बदल सकते हैं, आप अपने चैनल को नाम को बदल सकते हैं, और आप अपने चैनल के URL को भी कस्टमाइज़ करके जो आप चाहते हैं वैसा URL भी आप जो है बना सकते हैं। जैसा कि मेरे चैनल का जो URL है वो मैं आपको बताता हूँ, उसको कस्टमाइज़ करके बनाया गया है, और कस्टमाइज़ करके बनाने के बाद उसमें जो चेंजेस आए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे कि हमारा चैनल है, और ये आप इसका कस्टम URL देख पाएंगे। इसका URL ये दिख रहा है आपको, youtube.com/c यहाँ पर दे रखा है, और ये c जो है चैनल के लिए है, और स्लैश इसके बाद टेक्नोलॉजी विद विवेक यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों, ये चैनल का URL जो है टेक्नोलॉजी विद विवेक हमने बनाया है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। आपको करना क्या है, जो आपका यूट्यूब स्टूडियो होता है, आपको YouTube स्टूडियो में लॉगिन करना है आपके उस ID से, जिस ID से जो है दोस्तों आपने चैनल बना रखा है। आप यहाँ सबसे नीचे देख पा रहे होंगे, ये हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं, ये जो आपको तीन बिंदु दिख रहे हैं यहाँ से देख पा रहे हैं आप, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन पर जाना है दोस्तों। कस्टमाइज पर जाने के बाद जो है, जैसे ही आप कस्टमाइज पर जाएंगे, ये देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑडियो लाइब्रेरी के जो है ऊपर, यहाँ कस्टमाइजेशन पर जाने के बाद एक पैनल जो है ओपन होगा। ये देखिए, ये कस्टमाइजेशन के बाद आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है दोस्तों ये ऊपर लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन में। तो आपको यहाँ से जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन पर जाना है। ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, चैनल का नेम आपको दिख रहा है टेक्नोलॉजी विद विवेक, नीचे आपको URL दिख रहे हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर टेक्नोलॉजी विद विवेक पर जो आप ये डॉट का साइन देख पा रहे हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद जो है आप अपने चैनल के नेम को जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आप नीचे जो है यहाँ पर कस्टम URL देखिए, आपके लिए पहले एक चैनल URL बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और जैसे ही आपके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो आपको ये चैनल URL क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। इसमें आप c/ के बाद जो नाम देना चाहते हैं वो नाम देके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और अगर आपको URL को डिलीट करके फिर से कोई नया URL बनाना है, तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है डिलीट का, यहाँ डिलीट पर क्लिक करने के बाद अपने URL को फिर से कस्टम करके नए तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो तरीका, सिंपल सा, कस्टमाइजेशन पर जाने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपने चैनल का नेम कभी भी बदल सकते हैं, और URL को आप कभी भी इजीली चेंज कर सकते हैं। और भी दोस्तों, जो YouTube स्टूडियो से जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल होते हैं जो YouTube के क्रिएटर्स जो होते हैं वो जानते नहीं हैं, ऐसी वीडियोस लेकर मैं जो है आगे भी आता रहूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।